आज हम बात करेंगे 5 कार्स अपकमिंग ऑफ टाटा 2020। ये 5 कार्स 2020 में टाटा लॉन्च करेगी। इनमें से फर्स्ट नंबर पर आ जाती है टाटा की H2X। H2X टाटा की कार बहुत ही फेमस कार रहने वाली है। ये एक माउंटेन कार भी आप कह सकते हैं इसको। आप इसको इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग इंडिया में तो 2020 की है। बाकी इसमें आपको प्राइसिंग मिल जाती है एक्सपेक्टेड अभी तक 4 से 7 लाख तक का ही है। बाकी ये कार बहुत ही अच्छी होने वाली है, न्यू डिज़ाइन में होने वाली है। जैसे लाइक आजकल नीचे हेडलैम्प्स आते हैं और ऊपर इंडिकेटर्स, उसी तरह की ये लाइट्स होने वाली हैं और बहुत ही अच्छी कार बनाई है। ये एक माइक्रो SUV भी कह सकते हैं आप इसको। और हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पर आती है टाटा एल्ट्रोज। एल्ट्रोज भी एक स्मॉल हैचबैक आप कह सकते हैं इसको। ये कार भी बहुत अच्छी आने वाली है। इसमें आपको अलॉय व्हील भी बड़े वगैरह मिलेंगे और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस इंडिया में 6 लाख से 9 लाख के बीच में रहने वाली है। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च की बात करें तो इसकी इंडिया में लॉन्चिंग 2020 अप्रैल या मई तक हो सकती है। बाकी आप कार देख सकते हैं, लुक वगैरह बहुत अच्छे हैं कार के इसके। और टाटा ने ऐसी ये जो 5 कारें लॉन्च होंगी ये बिल्कुल यूनिक्स कार हैं सब में से। इसकी आप कलर्स देख सकते हैं, इसमें आपको ड्यूल टोन वगैरह भी मिल जाया करेगा। टाटा ने कार बहुत ही अच्छी बनाई है। ये बिल्ड क्वालिटी की तो बात ही क्या करें टाटा की। और नेक्स्ट नंबर पर आ जाती है, जो कि है थर्ड नंबर पर, जो है टाटा नेक्सोन। एक जानी मानी कार है ये, जो कि मिड साइज SUV में आती है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और ग्लोबल NCAP ने भी इसको 5 स्टार दिए हैं। टाटा ने इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करनी है 2020 में, जिसका आप लुक देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये कार भी बहुत अच्छी बना दी गई है। इसमें इंजन वगैरह सब कुछ आपको सेम ही मिलेगा, बस आपको इसकी नेक्स्ट जनरेशन मिल जाएगी जिसमें आपको न्यू डिज़ाइन मिलेगा। ऊपर की तरफ इंडिकेटर्स वगैरह और नीचे इसके हेडलैम्प्स, बस ये डिज़ाइन ही चेंज किया है और इसके इंटीरियर में कुछ चेंज आए हैं। बाकी तब हमारे चैनल पे इसकी फुल रिव्यू भी आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक बटन दबाना मत भूलें। और ये कार बहुत अच्छी बना दी गई है, अब आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, तो नेक्स्ट नंबर पर आती है टाटा की बजाज। टाटा की बजाज एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये टाटा की हैरियर की ही नेक्स्ट जनरेशन है, जिसमें कि आपको सेम डिज़ाइन, सेम टायर, सेम इंजन्स मिलते हैं। बस इसमें आपको 7 सीटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको 7 सीटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता था। टाटा हैरियर की अब मार्केट बहुत डाउन जा रही है, तो टाटा ने इसको पहले ही लॉन्च करने का फैसला किया है। 2020 अप्रैल या मई या 2020 लास्ट तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में। ये कार आपको 7 सीटिंग वेरियंट के साथ मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको पेट्रोल डीजल दोनों वेरिएंट्स मिल जाया करेंगे। अभी तक इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रही है 15 से 20 लाख तक। टाटा हैरियर की डिमांड बहुत कम होने के कारण इस कार को लॉन्च करना ही पड़ेगा जल्दी। और इस कार में आपको बिल्कुल न्यू फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि आजकल कारों में मिल रहे हैं। इसका इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत ही सुंदर बनाया जाएगा टाटा के द्वारा। इसका भी फुल रिव्यू हमारे चैनल पर आएगा। और अगले नंबर पर आ जाती है टाटा की नेक्सोन। टाटा नेक्सोन वैसे इंडिया में बहुत बिकती हैं, पहले भी बिकती रही हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कार का चलने लगा है इंडिया में रिवाज थोड़ा बहुत, तो टाटा ने भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक EV नेक्सोन को लॉन्च करना है। ये 2021 या 2020 तक ये लॉन्च हो जाएगी इंडिया में। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन मिलेगा, जो कि इसमें आपको बैटरी मिलेगी अभी तक एक्सपेक्टेड है 36 वोल्ट की, जो कि आपको 300 से 400 किलोमीटर आप एक बारी में जा सकते हैं। ये कार भी बहुत अच्छी बना दी गई है। बाकी टाटा नेक्सोन है जो, उसको न्यू फेसलिफ्ट भी दे दिया जाएगा, और न्यू फेसलिफ्ट आने के बाद इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी दे दिया जाएगा। तो ये भी कार बहुत अच्छी है। इसकी आपको एक्सपेक्टेड प्राइस 10 से लेके 12-13 लाख तक मिल जाएगी। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।